मुस्लिम्स, सिख्स, इसमें शुरू में यही दिखाया कि सब इकट्ठे थे. इंट्रीग्स हुई. इंट्रीग किसने की? अंग्रेज ने. तो दोषी कौन ठहरा? अंग्रेज. अब हमने पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेंगे तो और किसके लिए काम करेंगे? कोई काम देता है, नहीं देता है, मुझे इसकी परवाह नहीं होती है. इंडियंस आते हैं इधर, एक्टर्स आते हैं, हमारे एक्टर्स जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स. 23 मार्च आप जानते ही हैं कि बहुत करीब आ चुका है और हमारे बड़ों ने यकीनन एक इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए 7 सालों में पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो हासिल किया. आज पाकिस्तान को हासिल किए कई दहाइयाँ हो चुकी हैं और आज भी हमारे जो स्टार्स हैं जिसमें इरम अख्तर और शामी खान मौजूद हैं, इन्होंने एक गाना रिलीज़ किया है जो 23 मार्च के बाद जो 1947 में पाकिस्तान के लोगों ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी, उस गाने में उसकी अकासी की गई है. तो पहले इरम से बात करते हैं क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट, उसके बाद शामी भाई से बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, गाना बहुत अच्छा मैंने देखा है, उसमें आप लोगों ने प्रोडक्शन वाइज बड़ी मेहनत की है. तो गाने के हवाले से क्या कहेंगे कि कितने लोग इससे अट्रैक्ट होंगे और जो पैगाम आप गाने के ज़रिए देना चाह रहे हैं वो रिज़ल्ट हासिल कर पाएंगे? पंजाब से तो रिज़ल्ट ही रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह पूरा, क्योंकि पंजाब की तो बुनियाद दिखाई है ना, उसकी ज़्यादा सारा वो दिखाया सारा कुछ. तो इंशाल्लाह पंजाब से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा. और इस पे जितनी मेहनत है, एफर्ट है, लग नहीं रहा था ये सिर्फ एक गाने का शूट है. बहुत ह्यूज इसकी प्रोडक्शन थी और बहुत अच्छा इन लोगों का एक सेटअप था और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया ये करके. और पाकिस्तान के लिए काम था तो उसमें तो मेरी बात सुने. आप अक्सर, शामी भाई ये सवाल आपके लिए भी, आप भी इसका जवाब देना चाहें तो दीजिएगा. हमारे जो स्टार्स हैं वो इंडिया के हवाले से बात करते हुए डरते हैं. आप लोगों ने जो अपने ड्रामा इसमें सॉन्ग में काम किया है, वीडियो में, उसमें आपने सीधा सीधा इंडियंस को जवाब दिया है, तो आपको लगता नहीं कि आप स्टार्स को इन फ्यूचर अगर हालात बेहतर होते हैं तो आपको काम नहीं मिलेगा इंडिया से? हमारे स्टार्स अक्सर अवॉइड करते हैं कि इंडिया के हवाले से हम ना बोलें ना उनके खिलाफ काम करें, क्योंकि आप लोगों ने काम उनके साथ करना होता है. सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि सब कॉन्टिनेंट जो था उसमें इंडियंस, मुस्लिम्स, सिख्स, इसमें शुरू में यही दिखाया कि सब इकट्ठे थे. इंट्रीग्स हुई. इंट्रीग किसने की? अंग्रेज़ ने. तो दोषी कौन ठहरा? अंग्रेज़. ठीक है, तो अभी भी जाएं आप इंडिया, और जैसे कि मैं गया हूँ, इंडियंस आते हैं इधर, एक्टर्स आते हैं, हमारे एक्टर्स जाते हैं, उधर के जो आवाम है, जैसे एक नॉर्मल आवाम है जो, मतलब मैं ये बात समझ गया कि आपने इंडियंस के खिलाफ नहीं बल्कि जो अंग्रेज जिन्होंने, दैट्स द हिस्ट्री, मैं बताऊं, दैट्स द हिस्ट्री. आपने पाकिस्तान के लिए अब तक, आप समझते हैं कि मैंने ज़बरदस्त काम एज एन एक्ट्रेस, सबसे ज़बरदस्त काम मैंने पाकिस्तान के लिए ये किया है, वो क्या हो सकता है? मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किए, मतलब इस तरह के और इस्लाम के, उसके ऊपर बहुत से मैंने ऐसे काम किए हैं जो मुश्किल भी होते हैं और कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, मगर मुझे डर नहीं लगा कभी भी. अभी भी मैं यही कहने वाली थी कि देने वाले ऊपर वाले की ज़ात है. ठीक है, अब हमने पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेंगे तो और किसके लिए काम करेंगे? कोई काम देता है, नहीं देता है, मुझे इसकी परवाह नहीं होती है, मैं बस कर गुजरती हूँ. ठीक है, चलें. थैंक यू सो मच शामी खान और इरम अख्तर साहिबा की तरफ से. जो 23 मार्च के हवाले से पैगाम था वो आपने सुना और उम्मीद करता हूँ इनका ये सॉन्ग जो है वो अच्छा साबित होगा और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी. जजाकल्ला.